बैड कंडीशन में। देखिए ये सॉलिनिटी की वजह से ये ऐसा होता है आम के पत्तों पे। तो मैं आम के प्लांट को टोटली इसकी रूट वॉश की है, पूरी वॉश कर ली है। ये चिकनी मिट्टी थी इसमें, ठीक है। तो देखिए ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ्स, जितनी भी नई ग्रोथ्स है बड़ी हेल्दी है। और आप उसका लीव देखें, उसके पत्ते देखें, उसके पत्तों का साइज़ देखें, ये सारी न्यू ग्रोथ है। देखिए इस पर भी जो न्यू न्यू लीव्स है, ये भी नई लीव्स है जो इतनी बड़ी साइज़ की है। और भी इस पर न्यू ग्रोथ्स, हर जगह न्यू ग्रोथ एक्टिव है। आप हर जो ब्रांच देखोगे उस ब्रांच पे न्यू न्यू ग्रोथ्स एक्टिव ही है। दोस्तों ये मेरे मैंगो के प्लांट्स है जिसको मैंने रिसेंटली नर्सरी से लाया है। और आज की वीडियो में मैं आपको मैंगो का प्लांट नर्सरी से लाने के बाद उसकी टोटल कैसे ग्रो करे, उसकी कैसे केयर करे, उसे कब रिपोर्ट करे, कौन सी पॉटिंग मिक्स में रिपोर्ट करे, उसको क्या फीडिंग दे, और जो इनमें पेस्ट लगते हैं, जो बीमारियां लगती है, जो फंगस लगता है, उसकी केयर कैसे करे, उसको ठीक कैसा करे, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले देखिए आज मैंने इस प्लांट को लाया है। ये तीन प्लांट है, ये थाईलैंड का नमडॉक माई है, छोटा देखें ग्राफ्टेड है। और ये दूसरा जो है ये अम्रपाली है, इसके पत्ते से ही पता चलता है। ये जो वैरायटी है ये है सुवर्णा रेखा, ये आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट विशाखापट्टनम में जो है ये इसकी। तो ये तीनों प्लांट जो है पॉट में ग्रो करने के लिए बेस्ट है मैंगो की वैरायटी। तो मैं आगे वीडियो में इनकी सारी डिटेल दूंगा कि सुवर्णा रेखा में, अम्रपाली में और ये थाईलैंड की वैरायटी में क्या डिफरेंस है, इनके फ्रूट्स कैसे होते हैं, इनकी फ्लावरिंग कब होती है, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, अब मैं इन्हें नर्सरी से लाने के बाद तुरंत रिपोर्ट नहीं करने वाला। जैसा आप देख सकते हो ये बहुत ही बैड कंडीशन में, देखिए ये सॉलिनिटी की वजह से ये ऐसा होता है आम के पत्तों पर। तो मैं इनको कोई भी अभी न्यूट्रिएंट नहीं देने वाला, कोई भी खाद नहीं दूंगा मैं इनको। 15 दिन तक वाटर दूंगा और वो भी अभी बरसातों का टाइम है, तो मैं इनको रेन वाटर दूंगा, ठीक है। तो रेन वाटर दूंगा और 10 से 15 दिन के बाद मैं जो है इनको रिपोर्ट करूंगा। और उस वक्त मैं आगे की अपडेट में आगे अब जो भी इस पे काम करूंगा वो आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगा। तो दोस्तों देखिए आफ्टर 15 डेज जो आम के प्लांट मैंने लाए थे, देखिए उन सब पे न्यू ग्रोथ्स एक्टिव है। देखिए बहुत सारी न्यू ग्रोथ आ रही है। ये सुवर्ण रेखा वैरायटी है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये प्लांट जो है नीचे नई नई रूट्स बना रहा है और ये टोटली रेडी है ट्रांसप्लांट के लिए। और मेरे वेदर में, मेरे टेरेस पे ये टोटली अभी एडजस्ट हो चुका है। इनको मैंने 15 दिन तक वाटरिंग की, कंपोस्ट टी दी और इनको मैं सॉइल ड्राई होने के बाद फिर वाटरिंग और कंपोस्ट टी दे रहा था 15 दिनों तक। तो देखिए जिसका रिजल्ट है, ये अम्रपाली है फिलहाल, ये भी देखिए रेडी है ट्रांसप्लांट के लिए। और ये एक पेरू का प्लांट है दोस्तों, ये रिसेंटली कुछ 10 डेज पहले मेरी सिस्टर ने मुझको लाके दिया था, तो इसके लिए उसने मेरे लिए गिफ्ट लाई थी है एक पेरू का प्लांट। तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं पता कि वैरायटी कौन सी है, ये ग्राफ्टेड भी है या नहीं, तो मैं टोटली ब्लैंक हूँ। फिर भी मैं इसको ग्रो करूँगा बिकॉज ये मेरी सिस्टर ने मुझको गिफ्ट किया था, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल प्लांट है पेरू का। तो इसको भी मैं सेम मेथड में ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। अच्छा, इसको मैंने जो है कल ट्रांसप्लांट कर दिया था रूट वॉश करके, और कल शाम में मुझको फिर याद आया कि वीडियो बनानी है आप लोग के साथ, तो मैं इन सबको ही ट्रांसप्लांट कर रहा था। तो वीडियो का याद आया तो मैं रुक गया और एक प्लांट को रहने दिया।
और बाकी ये प्लांट को मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सेम मेथड है, जैसा मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया उसी तरह इनको करूँगा। पॉटिंग मिक्स सेम कोकोपीट है और परलाइट है। देखिए पॉटिंग मिक्स यहाँ पे रेडी रखा है मैंने, कोकोपीट है, परलाइट है। परलाइट मैंने इसके लिए रखा है कि इसमें एरिएशन रहे, जो इनकी मैंगो की जो रूट्स है उनको एयर बहुत पसंद है, और मैं इसके लिए इनको सॉइल लेस में ग्रो कर रहा हूँ। अगर आप सॉइल में ग्रो करना चाहते हो तो सैंडी सॉइल लीजिए 40%, 30% उसमें आप सैंड पार्टिकल्स मिलाए, छोटे छोटे जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं एरिएशन के लिए, और 30% आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट या फिर कोई पुरानी गोबर खाद है वो मिक्स कर सकते हो। ये बेस्ट पॉटिंग मिक्स है मैंगो के लिए। आपको सैंड पार्टिकल्स, जो सैंड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं नदी की जो रेत होती है उसके, उसको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। 30% और 40% सैंडी सॉइल लीजिए। अगर सैंडी सॉइल नहीं है तो गार्डन सॉइल ले लीजिए 40%, उसको छान के बारीक कर लीजिए, जैसा मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है। ग्रीन नेट या कोई भी जो भी आपके पास चीज़ हो उससे छान लीजिए, और उसको कपड़े से या किसी भी जाली से, तो वो फाइन हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो है, आप जो ये ईंट के टुकड़े होते हैं ना छोटे, जो घर बनाने में रेड ब्रिक्स के ईंटें आती है, अगर सैंड पार्टिकल्स नहीं है तो आप इसको ले लीजिए, या ये नहीं है तो प्यूमिस स्टोन बेस्ट है। आपके पास प्यूमिस स्टोन है तो आप उसको ऐड कर दीजिए 30%, जिससे प्लांट पॉटिंग मिक्स पे एरिएशन रहे। मैंगो को अगर आपको छोटे पॉट में ग्रो करना है और उससे फ्रूट्स लेना है तो आपको उसमें एरिएशन मेंटेन करना होगा, अगर आप उसको सालों साल ग्रो करना चाहते हो तो उसी पॉट में। अदरवाइज़ अगर आप ग्राउंड में ज़मीन में लगा रहे हो या बड़े बड़े कंटेनर में, बड़े बड़े ड्रम में लगा रहे हो, तो आप सिंपली 60% मिट्टी और 40% कंपोस्ट के मिक्स में भी लगा सकते हो। लेकिन मैं छोटे पॉट्स में, देखिए मैं ये छोटे से ये 9 इंची के गमले सबसे पहले उसमें लगाऊंगा। कभी भी याद रखें, सबसे पहला थंब रूल यही है कि सबसे पहले छोटे पॉट से स्टार्ट करें और उसके बाद उनको जो है बड़े पॉट में शिफ्ट करें। मैं इसके बाद इनको 12 इंची में, फिर उसके बाद 16 इंची में शिफ्ट करूँगा। ठीक है, ये छोटा ये अच्छा, मैं इसमें ड्रेनेज देखिए ऐसे ही फिल करूँगा जितना मैंने यहाँ रखा है। बॉटम में मैंने होल रखे हैं, एक होल से ज़्यादा होल बनाए हैं, और इतने सारा मैं बॉटम में ड्रेनेज रखता हूँ। ये इसके लिए रखता हूँ जो मैंने हर बार मेरी वीडियो में बताता हूँ, बहुत से लोग यही गलती करते, एक होल करते उस पर ऐसा रख देते हैं, पॉटिंग मिक्स भरते हैं, उस महीनों तक प्लांट चलता है जब तक ये ड्रेनेज होल ब्लॉक नहीं होता। जैसा ये ब्लॉक होता है, नीचे पानी जमने लगता है और नीचे रूट्स जो है रॉट होने लगती है, ऊपर सॉइल ड्राई ही रहती है और प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है, और फाइनली आहिस्ता आहिस्ता करके प्लांट डाई हो जाता है। तो सबसे बेस्ट एज पर रिसर्च डेटा, जो ड्रेनेज पर रिसर्च हुई थी उसमें सबसे जो बेस्ट निकल के आया था वो ये था कि कभी भी पॉट में 2 से 3 इंचेस का ड्रेनेज रखें। ठीक है, तो मैं इन सब में ड्रेनेज भर लेता हूँ और इनका सिंपली मैं पॉलीबैग कट करूँगा और इनकी रूट वॉश करूँगा मैं वाटर में, उनको वाटर में डिप करूँगा और उनकी रूट वॉश कर लूँगा। ठीक है, और मैं इनमें ड्रेनेज भर के पॉटिंग जो फिल करके रेडी रखता हूँ, आपको मैं इसमें फिर शिफ्ट करके बताऊँगा। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। सॉइल लेस पे इसके लिए मूव हो रहा हूँ कि सॉइल लेस में छोटे से छोटे पॉट में बहुत अच्छी ग्रोथ और फास्ट ग्रोथ मिलती है कंपैरिजन में सॉइल के, या फिर अगर मेरे पास सैंडी सॉइल होती है मुंबई में जो मिलती नहीं है, सैंड पार्टिकल्स होते तो मैं उसी में लगाता, लेकिन यहाँ पे जो है हार्ड क्ले सॉइल है जो कड़क हो जाती है, रेड क्ले सॉइल मिलती है यहाँ पे। इसके लिए मैं अभी सॉइल से सॉइल लेस में मेरे सारे प्लांट्स को जो है ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। ठीक है, बट अगर आपके पास सैंडी सॉइल है, फाइन सॉइल है, तो आप उसी में उसको ग्रो करें। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे, इनकी रूट वॉश करता हूँ, इसको फिल करता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों देखिए, मैंने ये आम के प्लांट को टोटली इसकी रूट वॉश की है। देखिए इसकी रूट्स, देखिए आप पूरी वॉश कर ली है, ये चिकनी मिट्टी थी इसमें। ठीक है, अब मैं इसको जो है
ये फंगीसाइड के वाटर में डिप करूँगा प्लांट को, मैं अभी इसमें डिप करके रखूँगा कुछ मिनटों तक, 2 से 3 मिनट तक इसको मैं डिप करके रखूँगा, ठीक है, जिससे इसकी रूट्स में अगर कोई सॉइल का फंगस वगैरह हो तो क्लीन हो जाए, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा नहीं, मैंने 5 लीटर वो पानी लिया है और उसमें 5 ग्राम फंगीसाइड ऐड किया है साफ का। अच्छा, आपको ऐसी रूट वॉश बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, बिकॉज जो है अभी मैं इसलिए रूट वॉश कर रहा हूँ कि मुझे इसका एक्सपीरियंस है, प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वेदर। देखिए, कंटिन्यू बरसात चली रही है मुंबई में, ठीक है, और बहुत दिनों से बरसात हो रही है और मैंने वेदर रिपोर्ट भी चेक किया है, आगे भी 15 से 20 दिन तक बरसात रहेगी तो मॉइस्चर बहुत मेंटेन रहेगा। इसके लिए मैं इसकी रूट वॉश कर रहा हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती भी हो जाए लगाने में तो वेदर जो है इसे संभाल लेगा। तो आपको भी दोस्तों, अगर आप रूट वॉश करना है तो ऐसा वेदर रखे और प्लस उसमें मॉइस्चर मेंटेन करे। जैसे अगर बरसात रुक भी जाती है तो आपको दिन में 5 से 6 बार पत्तों पे पानी स्प्रे करना है जिससे इसमें मॉइस्चर रहे। और प्लांट को ये पोर्शन में मैं रखूँगा, देखिए यहाँ पे सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट आती है और उसके बाद यहाँ पे पूरा शेड होता है, तो ऐसे जगह पे आपको रखना है। अदरवाइज सबसे सिंपल बेस्ट है, थोड़ी मट्टी निकाल दीजिए साइडों की और रूट बॉल के साथ थोड़ी मट्टी रखें और फिर उसे आप अपने पॉटिंग मिक्स में ट्रांसप्लांट करें, वो सबसे बेस्ट और सेफ तरीका है। अगर अभी बरसात नहीं होती तो मैं भी वैसे ही करता, तो लेकिन क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है और मुझे वेदर का, इसका रूट वॉश का भी बहुत एक्सपीरियंस है, तो ही मैं ये रिस्क ले रहा हूँ। आप ये रिस्क ना ले, थोड़ा रूट बॉल में मट्टी रखे और फिर उसे साइडों की थोड़ी मट्टी निकाल के उसको करें। अच्छा, रूट ना टूटे उसके लिए मट्टी निकालने का सबसे सही तरीका है वाटर में डिप करके निकाले, जिससे बहुत ही कम रूट प्रून होती है। तो चलिए, सेम इसी तरह मैं ये आम्रपाली को भी और ये पेरू को भी सेम उसी मेथड से करके, देखिए पॉट में मैंने ये पॉटिंग मिक्स भरा है, इसमें लगा दूंगा। तो मैं भी उसको भी वॉश कर लेता हूँ और मैं इनको सिंपली इसमें स्टैंड करूँगा प्लांट को और उसमें सेम पॉटिंग मिक्स फिल कर दूंगा, कोई खाद ऐड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इसको जो है इसकी रूट वॉश की है। और मैं इनकी रूट्स में, इनके पत्तों में एक चीज़ होती है सॉलेनिटी, यानी जो एजेस है ना बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाते हैं, वो इसीलिए होता है कि हम पॉटिंग मिक्स में खाद ज़्यादा देते हैं। इसके लिए स्पेशली मैं मैंगो में कोई खाद नहीं दे रहा, मैं ऐसे ऊपर से जैसे ट्रांसप्लांट के 10 दिनों के बाद जब इनकी रूट सेटल हो जाएंगी अंदर, तब मैं इनको जो है कंपोस्टी, जो भी मैं वर्मी कंपोस्टी जो भी खाद दूंगा देना शुरू करूंगा और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आगे की अपडेट भी इसी वीडियो में मैं आपके साथ बताऊंगा। चलिए, तो दोस्तों देखिए, फाइनली मैंने इनकी रूट वॉश की है, ये देखिए तीनों की रूट वॉश कर ली है और आपको मैं रूट्स दिखाऊं इनकी। देखिए, रूट वॉश की है टोटली, जैसा मैंने कहा, अगर आप ये एक्सपर्टीज इसकी रखते हो और आपके इधर वेदर भी वैसा है, मॉइस्चर बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो ही आप करें, वरना सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है थोड़ा रूट बॉल में मट्टी रखे और फिर इसको जो है आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो चलिए, फाइनली मैं इसको ट्रांसप्लांट करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, इससे शुरू करते हैं। ठीक है, इससे देखिए, ये मेरा सुवर्ण रेखा, इसको मैं इसमें सिंपली देखिए ऐसे रख दूंगा और इसमें ये ड्रेनेज फिल कर दूँ। ठीक है, सेम बाकियों को भी ऐसे ही रखूंगा और ड्रेनेज फिल करता हूँ, फिर आपके साथ डेटा शेयर करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों देखिए, इनको मैंने रिपोर्ट कर दिया है, देखिए इनकी टॉप तक जो है मैंने पॉटिंग मिक्स भरा है। सिर्फ पेरू को जो है मैंने टॉप तक नहीं भरा, वो इसलिए क्योंकि इनकी रूट्स जो है वो ऊपर की तरफ आती है, यानी जो ये पॉटिंग मिक्स का जो हिस्सा है ना, इसमें पेरू की जो रूट्स है वो ऊपर की तरफ बहुत जल्दी आती है, तो तब मैं फिर इनको ऊपर से थोड़ा थोड़ा और पॉटिंग मिक्स भर के फिल करूँगा। लेकिन आम की रूट्स जो है वो ऊपर की जगह नीचे की तरफ ज़्यादा जाती है,
तो देखिए सिंपली मैंने इन्हें कर दिया है, मैंने रख दूंगा। और देखिए ये पहले ये भी ऐसी था, बाद में जब बरसातों की वजह से इनमें देखिए सब परलाइट ऊपर आ गया था। तो सिंपली देखिए किया मैंने, अब इनको सबसे पहली चीज़ जो मैं दूंगा वो यही फर्स्ट डे फंगीसाइड वाला वाटर मैं इन्हें दूंगा, ठीक है। पहले दिन आप उसे वही फंगीसाइड वाला वाटर दे, उसके बाद फिर कभी भी आपको इन्हें फंगीसाइड वाला वाटर नहीं देना है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट टाइम जब हम रिपोर्ट करते हैं उस वक्त ही हम दे सकते हैं, बिकॉज उस वक्त इसमें कोई भी गुड फंगस या गुड बैक्टीरिया नहीं होता, तो हम फंगीसाइड दे सकते। चलिए मैं इसे ये वाटर दे देता हूँ और फिर आगे की अपडेट्स कुछ दिनों के बाद की भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करता हूँ। तो दोस्तों कुछ दिनों के बाद की ये अपडेट है, देखिए ये मेरे प्लांट पे नई नई शूट्स आ गई है, नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं। देखिए ये भी, ये थाईलैंड है नमडॉक माई, और ये अमरपाली है। देखिए इस पर भी बहुत सारी नई शूट्स आ रही है, और ये जो था ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा था सुवर्ण रेखा, इस पर भी देखिए नई नई शूट्स आ रही है। यानी नई नई शूट्स आने का मतलब, नए नए पत्ते आने का मतलब यही है कि नीचे पॉटिंग मिक्स में नई नई रूट्स बन रही है, जिसकी वजह से नीचे जब न्यू रूट्स बनती है तभी ऊपर नए नए शूट्स आते हैं। तो दोस्तों मतलब इसका मतलब यही है कि प्लांट जो है पॉटिंग मिक्स में प्रॉपरली रेडी है अभी फुल सनलाइट में आने के लिए। देखिए मैंने इसको यहाँ रखा था जहाँ पे ओपन सनलाइट इसको 2 से 3 बजे तक, दोपहर में 1 से 2 बजे तक मिलती थी सुबह की, और उसके बाद देखिए अभी जैसे 4 बज रहे हैं तो अभी इन पे शेड है, इन पे शेड आ रही है। तो ऐसी लोकेशन पे रखा था, अभी फाइनली कुछ दिनों बाद जब मैंने इनको ट्रांसप्लांट कर लिया, इनमें नई शूट्स एक्टिव हो गई है, तो अब ये इंडिकेशन है नई शूट्स का आना, नए पत्तों का आना, कि प्लांट कह रहा है कि अब उसको फुल सनलाइट में रख देना चाहिए। वैसे मैं अगर इनको यहाँ भी रखूँ तो ये प्रॉपर ग्रो करेंगे, लेकिन क्योंकि मैंगो को सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, आप जितनी ज़्यादा दे सकते हो उनमें उतना ज़्यादा जो है हेल्दी ग्रोथ होगी और उतनी ज़्यादा फ्लावर और फ्रूटिंग होती है। तो इसके लिए सिंपली मैं इसको उठा के देखिए ये यहाँ पे रख दूँगा जहाँ पे फुल सनलाइट मिलती है 4 से 5 बजे तक, सुबह से लेके शाम के 4 से 5-6 बजे तक यहाँ पे सनलाइट मिलती है, तो मैं उनको यहाँ प्लेस कर दूंगा। देखिए मैंने इनको यहाँ पे रख दिया है, और रखने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैंने की है इनके ऊपर वाटर का स्प्रे किया और इनको वाटरिंग की। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप पॉट की लोकेशन चेंज करते हो तो ये स्टेम जो है कभी रखने में हिल जाती है और रूट भी जो है नीचे से हिल जाती है थोड़ी बहुत, तो फौरन जो है उसको थोड़ा टेक्निक ये है कि वाटरिंग कर दे। वाटरिंग से जो है रूट्स स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और प्लांट जो है नई लोकेशन पे बहुत जल्दी सेटल हो जाता है। एनीवेज ये एक डिफरेंट टॉपिक है, किसी दिन इसी टॉपिक पे भी बात करेंगे जब हम प्लांट को शिफ्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरे लोकेशन पे, तो उसमें क्या क्या स्ट्रेस फैक्टर आते हैं। अच्छा ये मेरा एक और पेरू का प्लांट था देखिए जो मुझको गिफ्ट आया था, और मैंने इसको भी किया था इनके साथ में रिपोर्ट किया था। देखिए इन पर भी न्यू ग्रोथ्स एक्टिव है, ठीक है, और इसको भी मैंने परलाइट और कोकोपीट 90% कोकोपीट 10% परलाइट का कॉम्बिनेशन में लगाया। अच्छा ये मेरे पुराने मैंगो के प्लांट हैं, इस पर भी मेरी कंप्लीट वीडियो आने वाली है जल्दी कि मैंने इनको कैसे, 1 साल पुराने मेरे प्लांट है ये, इनको मैंने कैसे रूट वॉश की, कैसे इनकी रूट प्रून की, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो होगी। तो चलिए आगे की अपडेट भी मैं इसी वीडियो की एंड में दूंगा और फिर वीडियो को जो है फाइनली आपके सामने शेयर कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। फाइनली देखिए इनकी अपडेट, और ये मैंगो के प्लांट जो है कितने ऑसम चल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका लीव साइज देखिए, ये देखिए ह्यूज, ये जो मेरा पाम है ना यही हाथ का जो हथेली है, जो मेरा हैंड का पाम है वही 8 इंच का है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हो पत्ता ये कितना बड़ा है।
तो दिस इज़ ब्यूटी ऑफ सॉइललेस मीडिया, आप देख सकते हो ये आम्रपाली है, जबकि आम्रपाली की जो है पत्ते यूजुअली इतने बड़े नहीं होते, ठीक है। और आगे की ग्रोथ देखिए, ये ऊपर कितनी सारी हेल्दी ग्रोथ है, ठीक है। ये है स्वर्ण रेखा, इसकी ग्रोथ है, देखिए ये स्वर्ण रेखा की, ये मेरा जो प्लांट था उस पर देखिए बहुत सारी न्यू ग्रोथ्स एक्टिव है, हर जगह न्यू ग्रोथ्स है और बड़ी हेल्दी ग्रोथ है। और ये उसके साथ देखिए, ये मेरे आम्रपाली है, इस पर भी ग्रोथ है। और ये थाईलैंड, इसकी देखिए ये ग्रोथ, पत्ते ग्रीन हो चुके हेल्दी और भी नई ग्रोथ्स देखिए, और भी न्यू ग्रोथ्स इस पर एक्टिव हो रही है। तो ये बहुत अच्छा चल रहे हैं कोकोपीट और परलाइट के पॉट कॉम्बिनेशन में। मैं इसको अभी क्या कर रहा हूँ, फीडिंग सिंपली बरसात है तो मैं इनको ज़्यादा कोई फीडिंग नहीं कर रहा, ये इन पे रेन वाटर मिल रहा है। और जब बरसात नहीं होती तब स्काई ओपन होता है, खुला रहता है, तब मैं इनको कंपोस्ट ही देता हूँ। वर्मी कंपोस्ट ही कैसे बनाए इस पर मेरी कंप्लीट वीडियो है, उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वो वीडियो को ज़रूर चेक करें कि साइंटिफिकली कैसे कंपोस्ट ही बनाए और किस तरह से प्लांट को दे। तो मैं सिंपली इसमें कंपोस्ट ही दे रहा हूँ, वो मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग देता हूँ, मॉर्निंग में जब उठता हूँ मैं 5:30-6 बजे के आसपास, तब मैं देता हूँ। इसके लिए वीडियो शूट नहीं कर पाया, वरना मैं तभी भी वीडियो शूट करके सोचा तो हूँ के आगे आपके साथ वो फीडिंग की भी मैं वीडियो शेयर करूँ, मैं किस तरह दे रहा हूँ इनको। फिलहाल वैसे उस पर मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो अपलोड किया हुआ है कंपोस्ट ही पे, कि कैसा बनाना है, कैसे देना है, आप वो चेक कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए प्लांट बहुत हेल्दी चल रहे हैं। और अभी नेक्स्ट ईयर फेब मार्च में मैं इनसे फ्लावरिंग भी लूँगा और इनसे फ्रूट भी लूँगा। जबकि लोग अक्सर कहते हैं कि प्लांट मैंगो का प्लांट जब 2 साल का पुराना हो तभी उन पर फ्रूटिंग ले, लेकिन जब आपके पास इतनी अच्छी हेल्दी ग्रोथ चल रही हो और प्लांट इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा हो, इतना हेल्दी चल रहा हो, तब आप इससे जो है सीज़न में, जो कि आज से 4 से 5 महीनों बाद मैं जब इनका सीज़न आएगा फेब मार्च में, जब नेक्स्ट ईयर अभी 2022 में जब गर्मियां शुरू होगी तब इनसे फ्रूट ज़रूर लूँगा। और आगे भी मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहूँगा कि आगे की अपडेट कैसी है, विंटर में इनकी अपडेट कैसी है। तो देखा दोस्तों, ये मैजिक है सॉइललेस का जो मैंने ग्रो किया है। आप सिंपली सॉइल में भी ऐसा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप इसकी पसंदीदा जो इसकी फेवरेट सॉइल है वो यूज़ करोगे। तो इस वीडियो में बता चुका हूँ 40% सैंडी सॉइल, 30% सैंड पार्टिकल्स और 30% कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट ऐड करें या अगर गोबर खाद है तो उसको पुरानी गोबर खाद यूज़ करें जो अच्छी ठंडी होती है, वो आप यूज़ करें। और आप इस प्लांट को लगा दें, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। देखिए इसकी टेक्निक यही है दोस्तों, जो मेरा सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो है मैंगो का, मैं वही टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा कि इनको फ्लावरिंग ब्लूमिंग कैसे एक्टिव करें। मैं वही मेथड से इनको वाटरिंग करता हूँ, यानी वाटरिंग जब तक नहीं करता जब तक इसकी सॉइल टोटली ड्राई नहीं होती। बस आपको ये टेक्निक फॉलो करना है कि भर के वाटरिंग करनी है, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको कंपोस्ट ही देनी है, उसके बाद टोटल सॉइल को ड्राई होने देना है। अगर मिट्टी में है तो आप देखोगे कि मिट्टी पे क्रैक आने लग जाएंगे, साइडों का जो ये जो बॉटम होता है वो मिट्टी से थोड़ा ड्राई होके थोड़ा दूर हो जाता है पॉट से, तो ये इंडिकेशन है कि अब आपकी पॉट को, आपके प्लांट को वाटरिंग की जाए। अगर ऐसे कुछ मिट्टी में इंडिकेशन नहीं आ रहे तो आप वाटरिंग बिल्कुल ना करें फॉर मैंगो प्लांट। तो देखा, ये है सक्सेसफुली मैंगो को ग्रो करने का तरीका। जो लोग कहते हैं कि मैंगो में ग्रोथ्स नहीं होती, देखिए मैं हर एक प्लांट पे ग्रोथ दिखा रहा हूँ आपको, हर एक प्लांट पे। और जबकि मैंने इसकी रूट वॉश की थी तब लगाया था। और ये आपको पेरू के प्लांट की भी अपडेट में बता दूँ, ये देखिए पेरू का प्लांट, इसकी भी न्यू ग्रोथ्स, इसमें देखिए फ्लावर्स आ चुके हैं।
यहाँ भी फ्लावर है और इसके ऊपर आप ग्रोथ देखिए कितनी बेस्ट ग्रो ये कर रहा है। और इस पर भी फ्लावर है, जबकि इसको मैंने अभी इसकी रूट वॉश की थी और इसको इसमें लगाया था। देखिए छोटा सी पॉट है, ये भी 6 इंची का होगा कुछ, और इसमें ग्रोथ आप देखिए एक्सेप्शनल ब्यूटीफुल ग्रोथ। तो दोस्तों देखिए क्लीन अपडेट, मैंने वहाँ से इनको आपको प्रॉपर बताने के लिए नीचे ले आया हूँ। तो देखिए ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ्स, जितनी भी नई ग्रोथ्स है बड़ी हेल्दी है। और आप उसका लीव देखें, उसके पत्ते देखें, उसके पत्तों का साइज़ देखें, ये सारी न्यू ग्रोथ है। देखिए इस पर भी देखिए दोस्तों, आप इसके लीव्स देखिए, उनका साइज़ देखिए, जो न्यू लीव्स है, ये भी नई लीव्स है जो इतनी बड़ी साइज़ की है। और भी इस पर न्यू ग्रोथ्स, हर जगह न्यू ग्रोथ एक्टिव है। आप हर जो ब्रांच देखोगे उस ब्रांच पे न्यू ग्रोथ्स एक्टिव ही है। तो ये है बेनिफिट मैंगो को सही तरीके से ग्रो करने का। देखा आपने, देखिए नए पत्ते हैं, ये बाद में पहले ऐसे हो गए, ठीक है, उसके बाद थोड़े बड़े हो गए और फिर साइज़ गेन करेंगे अपना, और जब टोटली साइज़ गेन कर लेंगे उसके बाद ऐसे डार्क ग्रीन हो जाएंगे। तो ये देखिए, जितने याद रखें, जितने बड़े पत्ते हो गए, जितना सरफेस बड़ा होगा पत्तों का, उतना ज़्यादा इस पर क्लोरोफिल होगा, ये ग्रीनरी ग्रीन पिगमेंट जिसको कहते हैं। और जितना ज़्यादा इसका क्लोरोफिल होगा, जितना बड़ा पत्ता होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, और जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज़्यादा खाना बनेगा, और जितना प्लांट फूड बनाएगा उतना फास्ट ग्रो करेगा, और जितना फास्ट ग्रो करेगा उतना ही ज़्यादा वो आपको आगे फ्लावर्स और फ्रूट्स देगा। आप देख सकते हो पुराने पत्ते इसके कैसे थे जब लाया था, डैमेज थे, पेस्ट का अटैक था। अभी इनके नए नए पत्ते देखे, एकदम हेल्दी, अच्छे हेल्दी है। अच्छा, मैं इनको नीम सीड ऑयल का भी स्प्रे करता हूँ। मैं आपको नीम सीड ऑयल दिखाता हूँ, मेरे पास जो नीम सीड ऑयल है ये देखें, नीम ऑयल है, ये मिट गया है, ये नीम ऑयल है। इसमें जो मैं स्प्रे करता हूँ, मैंने ऑलरेडी मेरी पुरानी वीडियो में बताया है, ये मैंने नीम ऑयल मंगाया था। देखिए ये इसमें नीम ऑयल है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए ये नीम ऑयल है, इसको मैं वाटर में मिक्स करके इसमें स्प्रे करता हूँ। तो नीम ऑयल का स्प्रे इन पे मैं 10 डेज में एक बार ज़रूर करता हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, यानी इस वीडियो से मोटिवेट हो कि अभी आप भी आसानी से अपने घर में मैंगो के प्लांट ग्रो कर सकते हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग, कीप गार्डनिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्मार्ट गार्डनिंग।